आप देख रहे हैं अमेज नाउ। अमेज नाउ के एस्ट्रोवर्ल्ड कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ओम गणपतये नमः। आज 19 अगस्त 2024 से 25 अगस्त 2024 के बीच बात होगी ग्रह स्थिति की, साथ में तीज त्योहार पे कुछ कलह की समस्याओं पे रोचक तथ्य। आज हम लोग बात करेंगे ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के साथ महायोग का निर्माण करता है। प्रायः सभी ग्रह सूर्य के साथ अस्त हो जाते हैं। हम लोग बात करेंगे कार्यक्रम के अंत में, लेकिन सबसे पहले नवमंडल में ग्रहों की स्थिति। सूर्य, बुध और शुक्र सिंह राशि में, केतु कन्या में, शनि कुंभ में, राहु मीन में, बृहस्पति और मंगल वृष में, सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। इस सप्ताह आज 19 अगस्त श्रावण पूर्णिमा है, साथ में आज रक्षाबंधन का पवित्र शुभ त्योहार दोपहर 1:25 के बाद मनाया जाएगा। दोपहर 1:25 तक भद्रा का होने के कारण दोपहर 1:25 के बाद आज रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जाएगा। कल से 20 अगस्त 2024 को भाद्र कृष्ण पक्ष की शुरुआत होने जा रही है। 25 अगस्त 2024 को फल षष्ठी या ललही षष्ठी का व्रत का मान होगा। आइए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। मेष, किसी राजनेता से भेंट हो सकती है। मन में निराशा और आशा के भाव चल रहे हैं। विरोधियों से सावधान रहें, मन में असंतोष ना होने दें। सप्ताह के अंत में कोई बड़ी खुशखबरी हो सकती है। वृष, नौकरी और कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता, परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। मिथुन, नए वाहन का योग चल रहा है। चल अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। मन में विश्वास उत्पन्न होगा। घर पर आनंद का माहौल होगा। सप्ताह के अंत में कोई धार्मिक उत्सव में भाग लेंगे। कर्क, लाभ के अवसर बनेंगे। मानसिक शांति का प्रयास करें। विकास के कार्यों में सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। आइए, एक कालर हैं श्री अनिल कुमार जी सिद्धार्थ नगर से, उनको सुनते हैं। जी अनिल जी, आपने अपना जन्मतिथि बताया 4 जनवरी 1994, 1994, सुबह 11 बजे, जन्म स्थान सिद्धार्थ नगर। आपका प्रश्न है, सरकारी नौकरी कब तक, पुत्र प्राप्ति क्या योग कब बन रहा है। अनिल जी, आपकी कुंडली मिल रही है मीन लगन की, राशि आपकी आ रही है कन्या। उत्तरा फाल्गुनी के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है। इस समय आपका राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। निश्चित तौर पे 2 नवंबर 2024 के बाद सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयास करें। संतान का योग भी 2 नवंबर से शुरुआत हो रही है। कुछ ज्योतिष उपाय है, इसको करें। एक दूध से रुद्राभिषेक करावें, साथ में एक देसी मूंगा दाएं हाथ की अनामिका में दिन मंगलवार को धारण करें। दोपहर के समय हरी कृपा। आइए पुनः साप्ताहिक राशिफल। सिंह, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है। संतान की तरफ से सुखद समाचार प्राप्त होगी। धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कन्या, मित्रों का सहयोग मिलेगा। किसी अजनबी से उधार के कर्ज के लेन देन से बचें। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता के योग। दांतों के रोगों से थोड़ा सावधान रहें। तुला,
शेयर मार्केट में सावधानी से निवेश करें, भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा, धन के क्षेत्र में उत्तम सफलता, मन में विश्वास बनाए रखें, भूमि संबंधी के भी योग बन रहे हैं। वृश्चिक, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय, कुंवारे लोगों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आपका सर्विस क्षेत्र में उत्तम सफलता, बरसात में होने वाले रोगों से थोड़ा सावधान रहें। आइए, एक कॉलर हैं सुमन जी गोरखपुर से, उनको सुनते हैं। जी सुमन जी, आपने अपना जन्म तिथि बताया 25 अगस्त 1989 सुमन जी, आपको एक अच्छा सा ओपल 10 से 12 रत्ती का दाएं हाथ के तर्जनी में धारण करें, साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हरि कृपा। आइए पुनः साप्ताहिक राशिफल। धनु, कोई शंका आपको परेशान कर रही है उससे निकलें, तनाव से बचें, किसी धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं, धन के क्षेत्र में उत्तम सफलता, अपने कार्य समय पर ध्यान रखें। मकर, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास से पूर्ण रहें, किसी पुराने मित्र के आगमन पर मन प्रसन्न रहेगा, धन से संबंधित कोई बड़े काम के संकेत मिल रहे हैं, धार्मिक उत्सव में भाग लेंगे। कुंभ, परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, शैक्षणिक कार्य पर ध्यान रखें, किसी अन्य के मामले में बिना बात बिल्कुल नहीं उलझें, कानूनी अर्थों से सावधान रहें। मीन, संयम से रहें, क्रोध से बचें, भाइयों से संबंध बना कर रखें, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, राजनीतिक मामलों में सावधानी से कार्य करें, किसी स्त्री से तनाव मिल सकता है। तो यह रहा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया, कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के साथ महायोग का निर्माण करते हैं, वह ग्रह बुध ग्रह है। बुध के साथ सूर्य मिल जाने से बुध आदित्य नामक महायोग का निर्माण करते हैं। ऐसा योग लगन में हो, आकर्षण, अच्छे स्वास्थ्य का मालिक, पंचम भाव में बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण, उत्तम संतान युक्त, नवम भाव में होने से भाग्य धर्म में रुचि लेने वाला, केंद्र में होने से राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य करने वाले, आत्मसम्मान से जीने वाले, हाथी यानी बड़े वाहन रखने वाले, उत्तम विचार युक्त होते हैं। ऐसे बुधादित्य युग ग्रह वाले उत्तम राजयोग के पात्र माना गया है। तो यह रहा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। कुछ कालात की समस्याओं पर बातचीत हुई, किस त्यौहार पे बातचीत हुई, बुध आदित्य नामक महायोग के बारे में बातचीत हुई। पुनः मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय, तब तक अनुमति, ओम गणपतये नमः। आप देख रहे हैं अमेज का। आप देख रहे हैं अमेज।